हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर जो हम कंटिन्यू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का जो टॉपिक है AG2, यानी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सवाल है, जैसे 3 प्लस 3D 1/4 प्लस 3 प्लस 2D 1/4 का स्क्वायर। इज 44/9 फाइंड द डी। थ्री प्लस थ्री डी 1/4, 3 प्लस 2D 1/4 इसका है 44/9, देन फाइंड द डी। डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हम देखते हैं क्या जो एक गिविन सीरीज है मान ले इसका सम है, लेट एस इक्वल टू इसका सम 3 प्लस 3D 1/4 3 प्लस 2D 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस ये इसका जो ये ज्योमेट्रिक मीन का जो ये रेशियो है कॉमन रेशियो है या 1/4 है, 8 1/4 का स्क्वायर 1/4। इसके जो जीपी का जो कॉमन रेशियो है इससे दोनों तरफ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया 1/4s इक्वल टू क्या आएगा 3 3 इंटू 1/4 क्या 3 इंटू 1/4 नीचे प्लस 3 प्लस D 1/4 का स्क्वायर 3 प्लस 3D 3 प्लस 2D 1/4 का क्यूब एंड 2। इसमें से ये घटा दिया, सबट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड फ्रॉम बाई मान ले तो फर्स्ट इक्वेशन है, वी हैव दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से इसमें से माइनस कर दिया, क्या आएगा s minus s by 4 3 plus 3 plus d plus 3 by 4 क्या है d into 1 by 4 plus 3 d into 1 by 4 का स्क्वायर प्लस d into 1 by 4 का क्यूब। s minus s by 4 s minus s 3 by s 3 plus d into 1 by 4 d into 1 by 4 का होल स्क्वायर d into 1/4 का होल क्यूब। अब टू ये आ गया, ये आ गया अब टू इन्फिनिटी टू, ये आ गया a a a plus b a r का स्क्वायर या अब क्यों लिखते हैं, क्या होता है a upon 1 minus r, क्या होता है a upon 1 minus r a का मतलब d by 4 1 minus 1 by r तो 3s upon 4 3 plus d by 4 equal to 3 by 4 4 से 4 गया 3s upon 4 equal to 3 plus d by 4 3
एफ बाई फोर इक्वल टू 3 d/3। इसे जो है 4 by 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि एफ इक्वल टू 4 + 4d/9। एफ इक्वल टू क्या आ गया, 4 + 4d/9। और गिवन है ये, क्या गिवन है, इसका सम कितना है, 49/9 गिवन है, 49/9 4 + 4d/9 गिवन है ये 49/9 -4 = 4d/9। 9 × 36 44 में 36 आ गए। एट बाई नाइन क्या आएगा, 8 / 9 = 4d/9 ये क्या आएगा, 8/9 4d × 9 8 × 9 d = 8 × 9 4 × 9 4 × 8 = 9 d = 2 डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। देखो ये सीरीज है, ये सीरीज दे रखी है गिवन, इसकी डी की वैल्यू निकालनी है। मान ले दैट इज द सम इज एस, देन द मल्टीप्लाई बाय द देयर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज फर्स्ट टर्म मीन t2/t1 r = t2/t1 t3/t2 सच दैट टाइप 1/4f = 3/4 ये आ गया भैया। इसके बाद क्या करा, बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड टर्म सब्स्टिट्यूट क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दिया फर्स्ट टू सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ये आ गया, ये आ गया ठीक। अब इसका क्या करा मैंने, इसका जो सम निकाल, इसका क्या निकाल लिया, ये आ गया। तो ये फिर तो फर्स्ट ये यहां से लेके यहां तक की इन्फिनिट सीरीज आई, जीपी आ गई, ए अपॉन वन माइनस आर फॉर्मूला लगा दिया। तो इसे इसकी वैल्यू दे रखी कितनी दे रखी, इसकी वैल्यू द सम इज 44/9, एस की वैल्यू 44/9 लिख दी, तो डी की वैल्यू आ गई d = 2, हेंस द d = 2 d = 2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, सिग्मा नोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सिग्मा नोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, सिग्मा नोटेशन एंड इट्स एप्लीकेशन।
जी है दैट्स आर एच टर्म इक्वल टू, आर एच टर्म इक्वल टू टी आर, मान लेट आर एच टर्म वैल्यू इज टी आर, दैट लेट आर एच टर्म इक्वल टू टी आर एंड एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री अप टू टी एन, टी वन प्लस टी टू अप टू एन इक्वल टू सिग्मा आर वन इक्वल टू वन टी आर, दैट इज मीन्स टी आर इज द सम ऑफ एन टर्म्स आर इक्वल टू वन टू एन एंड एस एन इज इक्वल टू टी आर. टी आर लेट टी आर द जनरल टर्म्स, ये जनरल टर्म्स आ गई है और टी आर इक्वल टू क्या आता है ए प्लस आर माइनस वन इन टू डी, टी आर इक्वल टू ए कर लो आर आर माइनस वन इन टू डी, टी आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इन टू डी एंड एफ एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन टू एन टी आर ए प्लस आर माइनस वन इन टू डी. R इक्वल टू वन टू एन ए प्लस आर माइनस वन इंटू बी, एंड टी आर वी है यार ये एपी का है, ये क्या है इफ nth term of GP, अब यह सम ऑफ n term of GP, सम ऑफ n term of GP, P R R term is equal to A R की पावर n माइनस वन, A into R की पावर n माइनस वन, ए इंटू आर की पावर टी आर है तो एन है तो यहाँ एन आ जाएगा, आर है तो क्या जाएगा यहाँ आर की पावर एन माइनस वन, ई आर इक्वल टू ए आर की पावर ए माइनस वन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म आर इज द कॉमन रेशियो. हेंस सिमिलरली एस एन इक्वल टू एस एन इक्वल टू सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन टी आर इक्वल टू ए आर आर की पावर एन माइनस एस एन इक्वल टू सिग्मा आर टू वन टी आर ए की पावर आर माइनस वन. ठीक है अब नाउ नेक्स्ट टर्म इज
आर इज इक्वल टू वन, लिखेंगे सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव, सिग्मा इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ओवर एडिशन एंड सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इट मीन्स पी आर प्लस पी आर डैश इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा आर इक्वल टू वन एंड पी आर, सिग्मा आर इक्वल टू वन पी आर डैश, आर इक्वल टू वन टू के आर इक्वल टू ए इंटू वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट, वेयर ए इज where a is any constant, if r is equal to 1 to n, 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n times is equal to n. Similarly, if r is equal to 1 to n plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 up to n plus 1 times equal to n plus 1. Similarly, r equal to 1 to n, t r into t r dash is equal to r is equal to 1 to n t r, r is equal to 1 to n t r dash, r is equal to 1 to n t r t r dash. Is not equal to, that is mean is not equal to, and maybe sigma is not distributive over to multiplication. Similarly, we can say sigma is not distributive over the dividation. Over the dividation. Dividation ke liye आगे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, ये आर इक्वल टू वन टी आर प्लस माइनस टी आर डैश
अब प्लस का हो चाहे माइनस का, प्लस क्या है तो प्लस क्या, माइनस क्या है तो माइनस का आ जाएगा ये। अगर ये कोई कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट बाहर जाएगा सिग्मा से, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है सम ऑफ एन टर्म्स में, आर इक्वल टू एन टी आर, तो ए बाहर जाएगा। इस तरीके अगर 1 + 2 1 अब एन टाइम्स है तो क्या आ जाएगा ये एन के बराबर। आर इक्वल टू 1 to n + 1 n+1 है तो क्या आ जाएगा n+1 आ जाएगा। अगर दोनों की टी आर डैश की मल्टीप्लिकेशन हो रही है r to n, तो इनके अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के भी इक्वल आ जाते हैं। इसी तरह से अगर ए डिवाइड हो रहे हैं टी आर टी ए डैश से, तो दोनों के अलग अलग डिवाइड के भी ये इक्वल हो जाता है, नहीं इक्वल होगा, नॉट इक्वल टू, यानी कि सिग्मा डिवाइड सिग्मा मल्टीप्लिकेशन जिस टूट इज नॉट एप्लीकेबल। सिमिलरली द डिवाइडेशन ऑफ सिग्मा, द डिवाइडेशन ऑफ सिग्मा इज नॉट एवेलेबल एंड डिस्ट्रीब्यूट इन डिविजन, डिस्ट्रीब्यूट इन नॉट इन मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट इन डिविजन। ठीक है भाई, आगे बढ़े। सिमिलरली सम ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या आएगा? सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एच एन नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या जाएगा ये? एन इंटू एन प्लस वन सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 = 4 इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर ये क्या आ गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का इंटू एन प्लस 1 × 2 n+1/6। सिमिलरली द सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल क्यूब इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1/2 का होल का स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका
आंसर आ जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है फाइंड द फाइंड फाइंड द सम ऑफ सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ये कौन सी सीरीज है वन का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर अपॉन वन प्लस थ्री प्लस वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर एंड ये कोई गिविंग सीरीज है इसका सम निकालना है इसका कब कहा निकालना है एफ अप टू एन टर्म्स कहां तक के एन टर्म्स तक के इसका सीरीज का सम निकालना है। कुछ नहीं निकालना देखो क्या है इसका लिख लेंगे टी आर क्या लिख लेंगे टी आर आर स्टेन क्या वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर देखो किस में आ रहा है वन में वन आ रहा है टू में वन का स्क्वायर थ्री टर्म्स है थ्री टर्म्स को आर स्क्वायर का वन का स्क्वायर टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर प्लस अब टू आर का स्क्वायर इसको क्यूब कर लो भाई वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस आर का क्यूब अपॉन वन प्लस थ्री प्लस फाइव वन प्लस थ्री प्लस फाइव अप टू टू आर माइनस वन। देखो भाई यहां क्या आ जाता है अगर दूसरे टर्म में है तो तीन आ जाएगा टू आर माइनस टू यानी टू आर माइनस वन कितना आ गया थ्री या थ्री और टू आर माइनस वन टू आर माइनस अगर थ्री टर्म्स है आर इक्वल टू थ्री रखा इट मीन्स इट टी आर इक्वल टू वन का क्यूब आर का क्यूब प्लस टू आर का क्यूब इससे आ गया इसकी वैल्यू कितनी होती है वन का क्यूब टू का क्यूब थ्री का क्यूब सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या आएगा आर इंटू आर प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और ये सम ऑफ एन टर्म्स का है फॉर्मूले लग रहा है कितना है डी कितना है टू है तो क्या आएगा आर बाई टू एन का मतलब आर टर्म्स तो आर आर बाई टू टू ए ए का मतलब वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी डी का मतलब टू ये आएगा आर इंटू आर स्क्वायर के आगे
आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, यानी टी आर इक्वल टू आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, और इसका सम कितना आ जाएगा, सम आर इक्वल टू वन टू एन, आर इक्वल टू वन टू एन क्या आएगा ये, आर इक्वल टू एन वन टू एन आर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर, इसकी वैल्यू रख दूंगा मैं वन अपॉन फोर, का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर, देखो इसमें यह है सम ऑफ एन टर्म हो गया, वन का स्क्वायर होता है तो उसको वन का स्क्वायर ऐड कर दूंगा इसके अंदर, क्या करा मैंने वन का स्क्वायर क्या कर दिया माइनस कर दिया, क्या आ गया वन बाई टू, वन बाई फोर, वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर और वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री फोर का प्लस आर प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, हे आर द टर्म्स इज एन प्लस वन, हे आर द टर्म्स इज एन प्लस वन, हे आर टर्म्स मीन कितने आ जाएगा एन प्लस वन आर इक्वल टू एन है, इसे एन कर देंगे भाई ऐसे खोल देंगे तो हेयर आर इज वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन, स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, एन इंटू क्या था, एन इंटू क्या जाएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन क्या जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, अपॉन सिक्स एन इंटू एन एन इंटू एन प्लस वन एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस थ्री अपॉन सिक्स, और क्या आएगा माइनस वन, और यह आएगा वन बाई फोर, सिक्स से क्या आएगा माइनस सिक्स आ जाएगा, इसको खोल लेंगे क्या आएगा खोल लो क्या आएगा छे चौक चौबीस क्या आएगा बताओ,
एन इंटू टू एन स्क्वायर प्लस 9n+13, ये इसका आंसर है। एन इंटू टू एन स्क्वायर प्लस 9n+13.24, ये इसका क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इफ एन इज इक्वल टू वन, एन इज इक्वल टू वन और इक्वल टू वन टू एन, एन इंटू टू एन स्क्वायर प्लस 9n प्लस 30 फाइंड द सम इज, फाइंड द सम इज आर इज इक्वल टू वन टू एन, फाइंड द सम इज आर इक्वल टू वन इंटू एन टू सी आर, लेट एस एन इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वन टू एन टी आर इज इक्वल टू आर इक्वल टू एस एन इक्वल टू क्या है, एस एन इक्वल टू आर वन टू एन टी आर इज इन विच मीन्स एन इंटू वी हैव टी आर इक्वल टू एस आर माइनस के एस आर माइनस के वन एस आर माइनस के एस आर माइनस के जोन, इट मीन्स आर इंटू टू आर का स्क्वायर 9r+13 मीन्स एस आर माइनस वन मीन्स आर माइनस वन टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 9 r-1 प्लस 30, इट मीन
टू आर का क्यूब 9 आर का स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस 1 टू आर का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 आर प्लस 9 आर माइनस 9 पी2 प्लस 13, इसे क्या जाएगा? इक्वल टू ये कहेगा 6 आर का स्क्वायर प्लस 12 आर प्लस 6 इन्हें सोल्व करो, इन दोनों में 6 कॉमन ले लूंगा, r² + 2r + 1 इक्वल टू 6r + 1 का होल स्क्वायर का ए 6 कॉमन ले लिया, a² + b² + 2ab a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या आ गया? अब मुझे वैल्यू निकालनी है n = 1 r = 1 tr = 1 tr = क्या जाएगा? r = 1 tr की वैल्यू 6r + 1 का इक्वल टू 6 tr + 1 √6 × r + 1 √6 × r + 1 अब ये सिग्मा √6 बाहर आ गया, r = 1 to n r + 1 r1 की वैल्यू n तक की, यह क्या आ गया आर सिग्मा आर गया आर इंटू एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 प्लस n √6 बाहर आ गए, n² + n + 2m अपॉन 2 क्या आ गया n² + 3n अपॉन 2 √6 को √2 को क्या कर लेते हैं? √2 × √3 क्या गया? क्या है √3/2n² + 3n या √3/2 = n² + 3n देखो r = 1 to n है, pr की वैल्यू दे रखी, फाइंड द आर वर इक्वल टू टी आर, इसका टी आर दे दिया n = r tr आ गया, n into 2n² ये गिवन है, टी आर की वैल्यू क्या होती है? sr - sr - 1 की वैल्यू क्या होती है? टी आर की वैल्यू sr - sr - 1 एस आर तो ये है ही, r - n की जगह r - 1 लिख देंगे, एस आर में r की जगह n लिख देंगे, जो आ गया इसे सोल्व कर लेंगे, आगे 6r + 1 का होल स्क्वायर, 6r + 1 का होल स्क्वायर लिखने के लिए √tr के लिखने के लिए क्या करेंगे? √tr तो 6r + 1 का होल स्क्वायर, ये √6 बाहर आ गया, r + 1 का स्क्वायर √r + 1 आ गया, r + 1 सिग्मा r + r n टू n टू r इस सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, यह आ गया
वन अप टू वन टू वन टू वन प्लस एन टाइम्स क्या आ गया, तो बताया था एन टाइम्स एन ही आ गया, इधर सोल्व कर लेंगे। नीचे आ गया, ऊपर आ गया रूट सिक्स, नीचे आ गया टू, क्या रूट थ्री इंटू रूट टू, रूट टू क्या रूट टू मल्टीप्लाई रूट टू, इस टू से टू गया रूट थ्री बाई पॉइंट टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, ये इसका आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, क्या क्वेश्चन है, सम ऑफ सी ग्रैंड डिस्टेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म, सम ऑफ द सी ग्रैंड डिस्टेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म सम ऑफ द सीरीज ग्रैंड डिस्टेंस ऑफ कंजेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी और जीपी, ये सीरीज का कंजेक्टिव टर्म्स क्या है वो एपी में और जीपी में। लेट सीरीज द फाइंड सम ऑफ एन टर्म, लेट सम ऑफ फाइंड सम ऑफ एन टर्म, कौन सी एन टर्म से निकालना है, थ्री फिफ्टीन थ्री फिफ्टीन थर्टी फाइव सिक्सटी थ्री एंड सो इसका सम निकालना है, इसका ना इसका सम निकालना है कि थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटी थ्री इस सीरीज का जो है सम निकल, सम से निकालते हैं देखो इसका देखो इसका जो डिफरेंस है, जैसे फर्स्ट टी टू माइनस टी वन कितना आएगा, टी टू माइनस टी वन कितना आएगा फिफ्टीन माइनस थ्री टू है, टी थ्री माइनस टी टू फोर्टी एट कितना आ गया थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी एंड सिमिलरली
Here, it is clear from there that the two consecutive term difference are 12, 20, 28, and next will be 33. It will be the AP. It will be the AP. इस तरह की जो सीरीज है इनका जो डिफरेंस है वो क्या है AP में है किससे निकालते हैं डिफरेंस देन दैट इट मीन वी हैव एस एन इज इक्वल टू थ्री प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 अप टू एंड सो यार इसको एफ एन को जिनको नहीं लिखा इसको एक छोड़ के इसका लिख दिया 3 प्लस 15 प्लस 35 प्लस 63 एंड सो देखो यहां तक के ये क्या आएगा एट टर्म टी एन आएगी इससे पहले क्या आएगा टी एन माइनस वन आएगी यहां टी एन आएगा टी एन माइनस वन प्लस टी एन सी आएगी इसको जो है मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली तो क्या मान लिया सेकेंड इक्वेशन मान लू बाय द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को क्या कर लिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया क्या आएगा 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 36 एंड सो ऑन ये आएगा अप टू एन माइनस वन टर्म और माइनस टी एन ये अप टू टी एन माइनस वन एफ माइनस टी एन टर्म ये आएगा इधर क्या आएगा जीरो इस माइनस टी एन टर्म्स को मैं जो इधर ले आऊंगा राइट में क्या आएगा ये टी एन टर्म्स इज इक्वल टू 3 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 36 एन माइनस वन टर्म एन एट टर्म इसके एन एट टर्म को क्या आ जाएगा फॉर्मूला 3 प्लस n/2 एन की जगह कितने टर्म एन माइनस वन अपॉन टू टू ए ए की वैल्यू 12 प्लस एन माइनस वन माइनस वन इंटू डी डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसको सोल्व कर लेंगे ये क्या आ जाएगा चलो सोल भाई ये ठीक है क्या है क्या है 4n² - 1 टी एन आर इक्वल अब क्या आर टर्म्स की वैल्यू सम ऑफ एन टर्म एस एस एन क्या जाएगा इसका एस एन एन तो इसके अंदर भी एक आई रहा इसके नाम लिख देंगे तो जैसे एस एन टी के इक्वल टू क्या जाएगा आर इक्वल टू 1 × k 4k² - 1 4 सिग्मा आर इक्वल टू 1 × n k
के स्क्वायर माइनस सिग्मा आर इक्वल टू वन इंटू के, सिग्मा के स्क्वायर इक्वल टू के इंटू के एन इंटू एन एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, फोर तो जीरो टू और माइनस क्या आएगा ये फोर तो जीरो एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स अपॉन माइनस वन। आर की वैल्यू वन, वन को एन टाइम्स तक के ऐड करा, वन इंटू वन इंटू वन ये आ गया एन आ गया, क्या आ गया वन आ गया, तो इसकी वैल्यू वन आ गई। इसकी क्या आ गई एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन, इसको जो है इसको एन से क्या कर लेंगे, क्या आ गया फोर इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन माइनस सिक्स अपॉन सिक्स, इसको फोर कर लेंगे क्या आ जाएगा ये एट एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एन माइनस टू अपॉन सिक्स इंटू एन, टू से डिवाइड कर देंगे क्या आएगा ये एन इंटू फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस एन माइनस टू, ये क्या आ गया सिक्स एन माइनस वन अपॉन सिक्स, क्या फोर एन स्क्वायर प्लस सिक्स एन माइनस वन अपॉन सी आएगा एन बाई सी, ये इसका आंसर है। देखो भाई ये दे रखा पहले से, इसका जो है वो डिजाइन देखा कैम देखा ए टी एम, फिर इसका एस टर्म को एक एक टर्म को छोड़ के लिख लिया, फिर ये क्या आ गया इसका जो है ये एन टर्म्स को इधर ले आया, ठीक है एन टर्म्स लगा दिया सिग्मा लगा के इसकी सम ऑफ एन टर्म्स का स्क्वायर लिख लिया माइनस फाइव वन ट्वेंट ले गया, इसको एस सोल्व कर लिया क्या गया एन स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एन माइनस टू, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक एक तो ये मेथड है लंबा, एक छोटा अल्टरनेट मेथड भी है इसका, क्या इसका अल्टरनेट मेथड, अल्टरनेट मेथड क्या है इसका देखो, अगर हम इसको क्या करते हैं जो ये गिवन सीरीज है इसके एपी को है, एपी को क्या मान लेंगे हम, अगर गिवन है ए पी में टी एन इक्वल टू ए एन का स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, ये मान लेंगे ये याद कर लेना टी एन स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी, इफ दिस सीरीज अच्छा इक्वल टू ए एन स्क्वायर, अच्छा अब टी एन इक्वल टू वन, टी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी, T1 वन इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, टी वन मीन्स थ्री, टी टू मीन्स फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू फिफ्टीन। सिमिलरली टी थ्री इक्वल टू एन इक्वल टू थ्री इक्वल टू नाइन ए प्लस थ्री बी प्लस सी इक्वल टू थर्टी फाइव, पहली क्वेश्चन आ गई ये सेकंड आ गई ये थर्ड आ गई, इन तीनों क्वेश्चनों को क्या कर देता हूं मैं
सोल्व कर लूंगा, तीनों क्वेश्चन को क्या कर लूंगा मैं, सोल्व कर लूंगा। करो सोल्व, क्या जाएगा भाई? क्या जाएगा? पहले दोनों को सोल्व कर लो, ए एलिमिनेट को तो फिर कर दो, चलेगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू, बताओ क्या आ जाएगा? देखो भाई, अब ए इक्वल टू क्या आ गया, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या आ गया भैया? ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -1। कर लिया भाई सोल्व। अब इसकी वैल्यू यहां रख दूंगा, टी आर इक्वल टू कितना रहेगा, टी एन इक्वल टू क्या जाएगा, टी एन इक्वल टू क्या जाएगा, 4n² - 1। इसकी वैल्यू 3 × 4n² और एफ एन इक्वल टू, एफ एन इक्वल टू एन इक्वल टू 1 × r क्या जाएगा, 4n² - 1। बस अभी ये यहां से वो सवाल कराया था अभी को, यदि थी ऐसे रिपीट हो गए इससे पहले वहां, वही आ जाएगा 6n, क्या आ जाएगा इसका आंसर, वही आ जाएगा n/3 4n² + 6n - 1 क्या है, n/3। अभी जैसे n/3 4n² + 6n - 1 इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई, ये अपनी तरफ से मान लिया टी, अगर मान लिया दिस सीरीज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म इज इन जीपी, हेयर इज द जीपी, देन फॉर दिस मेथड वी हैव द फंक्शन इज पी एन इज इक्वल टू ए एन आर ए की पावर एन बी, क्या मानते हैं, पी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन प्लस बी, similarly all the function are same, we have if the common difference is in the GP, then we suppose P n is equal to A R की power n plus B, otherwise if there are in GP as A P, then P n is equal to A n square plus B n square, same with this function को इसमें भी है, अगर GP में होता है ये इस तरह T1, T2, T3 की value निकाल लेंगे, फिर solve कर लेंगे, फिर इसका जो है function का n terms का सब निकाल लेंगे आर समेशन करके R2n। यहां तो भाई सुनो आगे बात, अब आगे बढ़ते हैं। अब है सिग्मा नोटेशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिग्मा नोटेशन ये क्या मतलब है, सिग्मा नोटेशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या जी, सिग्मा नोटेशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सिग्मा नोटेशन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल देयर आर इफ आई एंड जे एंड के आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इफ आई एंड जे के आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इक्वल टू वन आई टू एन, जे इक्वल टू वन टू एन, के इक्वल टू वन टू एन, टी आई टी जे टी के इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एन, टी आई जे इक्वल टू वन टू एन, टी जे के इक्वल टू वन टू एन टी के, ये इस तरह की है, ये इस तरह की आ जाएगी अलग अलग इंडिपेंडेंट। ये आई इक्वल टू वन टू एन, जे इक्वल टू वन टू एन, के इक्वल टू वन टू एन, टी आई टी जे टी के इक्वल टू आर इक्वल टू वन टू एन टू टी आई, आर इक्वल टू जे इक्वल टू वन टू जे, के इक्वल टू वन टू एन टी के इक्वल टू आई इक्वल टू वन टू एन, जे इक्वल टू के इक्वल टू टी आई टी जे टी के। अब आगे क्या है, सम ऑफ द सीरीज, क्या है सम ऑफ द सीरीज बाई कैंसिलेशन मेथड, सम ऑफ द सीरीज बाई कैंसिलेशन मेथड, क्या है सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज, सम ऑफ द सीरीज बाय द कैंसिलेशन मेथड, बाय द कैंसिलेशन मेथड, सम ऑफ द सीरीज बाय द कैंसिलेशन मेथड, सम ऑफ द सीरीज बाय द कैंसिलेशन मेथड, वी हैव इफ टी आर टर्म जनरल टर्म इज इक्वल टू क्या आता है प्लस माइनस वी आर माइनस वी आर माइनस वन। सिमिलरली टी आर प्लस माइनस वी आर प्लस वन माइनस वी आर, टी आर इक्वल टू प्लस माइनस वी आर माइनस वी आर माइनस वन, वी आर इक्वल टू प्लस माइनस वी आर प्लस वन माइनस वी आर, ये इस तरह का जो सीरीज है हम जो है इस तरह की वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स आर इक्वल टू वन इफ टू एन, टी आर इक्वल टू वन टू एन, we can say plus minus vr minus vr minus 1 vr minus 1, ये तरह की हम जो है सीरीज की जो है वैल्यू जो है हम जो है निकाल सकते हैं।
वी आर माइनस वी आर माइनस वन, वी आर प्लस वन माइनस वी आर, इस तरह की हम जय वैल्यू या इसे बोलते हैं सम ऑफ द सीरीज ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ द मेथड। जैसे एक इसके ऊपर क्वेश्चन लगाते हैं भैया, जैसे एक क्वेश्चन है इसके ऊपर वन, एक सीरीज है वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टेन अब टू एन। ये आ गया, अब इसका क्या निकाल है, टी आर इक्वल टू इसका जनरल टर्म्स क्या आ गया, वन प्लस टू प्लस थ्री अब टू एन, ये आ गया। इसका जनरल क्या आ गया, आर इंटू आर प्लस एन इंटू एन प्लस वन, आर इंटू आर प्लस वन प्लस टी आर आ गया। ऊपर टू भी आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू ऊपर आएगा। इसमें क्या करा मैंने, टू तो बाहर है ही है, इसे कर लिया आर प्लस वन माइनस वन इंटू टू इंटू आर प्लस वन इंटू टी आर इंटू टी आर इज इक्वल टू टी आर इज इक्वल टू टू इंटू आर प्लस वन माइनस अलग अलग कर दिया, क्या आ गया टी आर इक्वल टू क्या आएगा, टी आर इक्वल टू टू इंटू आर प्लस वन अपॉन आर इंटू आर प्लस वन माइनस टू इंटू आर प्लस वन। आर प्लस वन से आर प्लस वन लग गया, टी आर इक्वल टू टू अपॉन आर टू इंटू वन अपॉन आर इज इक्वल टू टू इंटू वन अपॉन आर माइनस टू अपॉन वन प्लस आर टू इंटू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर प्लस वन। ये क्या है, टू इंटू वी आर माइनस वी आर प्लस वन वेयर वी आर इक्वल टू वन अपॉन आर वेयर वी आर इक्वल टू टू वी आर माइनस वी अपॉन आर। ये टू वक्त, अब इसका समेशन ऑफ एफ एन एफ एन आर इक्वल टू वन टू एन टी आर इक्वल टू 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 सिग्मा आर इक्वल टू वन टू एन वी आर माइनस वी आर प्लस वन आर इंटू वन टू एन वी आर आर प्लस वन एन टू इंटू एन इंटू आर इंटू एन वी आर इंटू आर प्लस एन अब टू क्या आएगा, वी आर वी वन माइनस वी एन प्लस वन वी एन इंटू वी एन प्लस एन वी एन का वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। अरे बाहर टू आई रहा, ये बाहर क्या आ गया, टू आई रहा, तो क्या आ गया टू एन इंटू ये एन प्लस वन माइनस वन क्या आ गया टू अपॉन एन प्लस वन।
एन अपॉन एन प्लस वन, एन प्लस वन माइनस वन, वन से होंगे टू एन अपॉन एन प्लस वन। देखो वन प्लस टू टू थ्री टू एन आ गया, टी आर इक्वल टू वन प्लस टी एन आ गया, टी आर इक्वल टू टू अपॉन एन इंटू एन प्लस वन बार आ गया, आर प्लस वन अपॉन माइनस आर, टू इंटू आर प्लस वन इंटू आर प्लस इंटू माइनस टू आर ये आ गया। अब इसका क्या आ गया, वी आर आ गया, तो वी आर वेयर आर वी आर इक्वल टू आर इक्वल टू वन एन टू आ गया, वी एन माइनस वी एन प्लस वन, वी एन वैल्यू वन आ गया माइनस एन प्लस वन, माइनस के एन प्लस एन, वी एन प्लस वन इक्वल टू एन प्लस वन, इसकी सोल्व कर देगा टू एन अपॉन एन प्लस वन, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।